देख रहे हैं एवी क्राइम न्यूज। मैं अनुजा आपके साथ, नमस्कार। आइए चलते हैं खबरों की तरफ। यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक डांडिया और गरबा कार्यक्रम में घुसने पर एक मुस्लिम युवक की पिटाई हुई। कानपुर में शुक्रवार रात डांडिया कार्यक्रम में दो युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि आयोजकों ने मुस्लिम होने के शक में दोनों युवकों से आधार कार्ड मांगे, लेकिन वो दिखा नहीं पाए। इस पिटाई की जिम्मेदारी हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद ने ली है। दोनों ही हिंदूवादी संगठन लोगों का आधार कार्ड चेक करने के बाद ही पांडाल में एंट्री करने की अनुमति दे रहे थे। कानपुर के मोती झील में शुक्रवार रात डांडिया रास का कार्यक्रम चल रहा था। शुक्रवार रात स्वरूप नगर में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसमें आधार कार्ड और पास देखकर एंट्री दी जा रही थी। एंट्री के वक्त दोनों युवकों ने गलत नाम बताए, माथे पर टीका भी लगवाया। कार्यक्रम के दौरान उनकी एक्टिविटी संदिग्ध दिखाई पड़ी। इसके बाद दोनों से आधार कार्ड दिखाने को कहा, लेकिन वे आनाकानी करने लगे। कहने लगे कि हम लोग आधार कार्ड नहीं लेकर आए हैं। उनसे कुछ सवाल पूछे गए, उसका भी जवाब नहीं दे पाए। बाद में पता चला कि दोनों युवक गैर समुदाय के हैं। इसके बाद दोनों युवकों को लोगों ने घेर लिया। लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। थोड़ी देर बाद बजरंग दल से जुड़े लोग पहुंच गए। उन्होंने आयोजकों को पहचान पत्र देखने के बाद ही एंट्री देने की हिदायत दी। आज स्वरूप नगर थाने में एक डांडिया के प्रोग्राम में कुछ लोगों द्वारा मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ है। इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसे संबंधित थाने में या पुलिस को या डायल 112 को सूचित करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ पे कानून लेने का अधिकार नहीं है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।